नमस्कार फ्रेंड, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही बैंगन आलू की सब्जी, ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और बनने में बिल्कुल इजी है। इसके लिए मैंने लिए है 500 ग्राम बैंगन छोटे छोटे आकार के, एक आलू, एक प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरा धनिया और मूंगफली। बैंगन को मैंने पहले से ही धो के रखा था। एक बैंगन को दो हिस्से में काटना है और साथ साथ में चेक करना है, क्योंकि बैंगन कभी कभी अंदर से ख़राब होते हैं। साथ साथ में डेंटल भी काटनी है। इस तरह मैंने सारे बैंगन काट लिए हैं और तुरंत पानी में डाल दिए ताकि ये काले ना पड़े, क्योंकि बैंगन जल्दी काले पड़ जाते हैं। इसी तरह मैं आलू को भी काटूंगी छिलके निकाल के। आलू को मैंने बिल्कुल छोटे क्यूब में काटा है, क्योंकि बैंगन जल्दी पक जाते हैं और आलू को थोड़ा समय लगता है। कढ़ाई गैस पर रख दी है। इसमें मैंने 6 से 7 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज को मैंने बारीक कट किया है। ये हमारी अभी प्याज डल चुकी है। इसको 1 से 2 मिनट पकाना है। अभी मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन पेस्ट। लहसुन की मैंने 10 से 12 कलियाँ ली थी और अदरक का छोटा टुकड़ा लिया था। इसी तरह इसको भी फ्राई करेंगे पकने तक। 1 से 2 मिनट करना है फ्राई। अभी ये पक चुका है, देखिए खुशबू भी आ रही है अदरक लहसुन पेस्ट की। अभी इसमें मैं डालूंगी मिर्ची पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर डालूंगी 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून और इसमें डालूंगी मैं अभी गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। ये सारे मसाले को मिक्स करके 1 से 2 मिनट पकाना है। जब तक पके ना तब तक करछी हिलानी है। इसमें मैं अभी डालूंगी एक टमाटर। टमाटर को मैंने पहले से ही बारीक कट करके रखा था। ये हमारा टमाटर डल चुका है। इसको अच्छे से पकाना है, टमाटर को अच्छे से गलने तक। अभी मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक डालने से ये और अच्छे से पक जाएगा मसाला, टमाटर भी गल जाएगा। ये देखिए हमारा मसाला पक चुका है। अभी देखिए अच्छी तरह से पक गया है। अभी मैं इसमें डालूंगी आलू। आलू मैंने इसमें 1 ही डाला है। अगर आपको ज़्यादा डालना है तो डाल सकते हो। आधे बैंगन आधे आलू भी रख सकते हो, जैसे आपको बनाना है वैसे बना सकते हो। अभी इसमें डालूंगी मैं बैंगन। ये बैंगन हमारे डल चुके हैं। आधे ही बैंगन डाले हैं मैंने ताकि ये अच्छे से मसाले में मिक्स हो सके। ऐसे हिलाते रहना है। जब बैंगन डालते हो तब गैस का पावर थोड़ा स्लो करना है ताकि मसाला कढ़ाई में ना चिपके। मैंने गैस का पावर पहले से ही स्लो करके रखा है। और बैंगन डाल रही हूँ मैं जो बचे थे। ये सारे बैंगन हमारे डल चुके हैं। इसको भी अच्छे से मैं मिक्स करूँगी मसाले में और ढक के स्टीम में पकाऊँगी। 5 मिनट पकाना है स्टीम में। ये मूंगफली है, जो मूंगफली आपको मैंने दिखाई थी इसको मैंने ग्राइंडर कर ली और डाली। इससे करी थोड़ी गाढ़ी बनेगी और टेस्ट भी लगेगा। ये देखिए मैं स्टीम से पका चुकी हूँ बैंगन को। ये देखिए हमारे बैंगन आधे पक गए हैं। अभी इसमें मैं डालूंगी 2 ग्लास पानी। आप अपने हिसाब से डालिए, जितना डालना है उतना पानी। मैंने इसमें 2 ग्लास डाला है। ये देखिए हमारा 2 ग्लास पानी डल चुका है। इसको भी मैं थोड़ा ढक के पकाऊंगी स्टीम में। इसको हमें 3 से 4 मिनट पकाना है। देखिए अभी हमारी सब्जी पक गई है, आलू भी पक गया है और बैंगन भी पक गया है।
ये इस तरह हमारी सब्जी रेडी हो गई है। इसमें डाल रही मैं अभी हरा धनिया। हरा धनिया से सब्जी की खुशबू बहुत बढ़िया आती है। ये निकाल के दिखा रही मैं आपको सब्जी। देखिए कलर भी कितना प्यारा है और कितनी सुंदर दिख रही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।